गाइस आई एम एआर। आज हम बात करने वाले हैं कुर्ता पजामा एंड शूज कलर कॉम्बिनेशन। मैंने आपके लिए ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको गाइड किया है कि आपको कुर्ता पजामा या शलवार कमीज के साथ कौन से शूज पहनने चाहिए, बट कौन से कलर ऑफ कुर्ता को आपको कौन से कलर ऑफ शूज के साथ पहनना है, ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 कलर ऑफ कुर्ता की बात करूंगा जो हर बंदा पहनता है। उन 5 के साथ आपको कौन से कलर के शूज पहनने हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको इस वीडियो में, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करे अभी जाए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, बिकॉज यहाँ पे मैं फैशन फिटनेस और ग्रूमिंग के रिलेटेड कॉन्टेंट अपलोड करता रहता हूँ जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। ऑलराइट गाइस, नंबर 1 पे बात करते हैं। द मोस्ट बेसिक एंड द मोस्ट कॉमन कलर ऑफ कुर्ता इज ब्लैक। ब्लैक कलर का कुर्ता पजामा और ब्लैक कलर की शलवार कमीज हर बंदा पहनता है। अगर बात करें कि आपको ब्लैक कलर का कुर्ता और ब्लैक कलर की शलवार कमीज के साथ कौन से मैचिंग शूज पहनने चाहिए, तो सबसे ज्यादा अगर सेफ साइड की बात करें तो आपको इसके साथ ब्लैक शूज ही पहनने चाहिए। अब ब्लैक शूज से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपने बस ब्लैक शूज ही पहनने हैं, आप इसके साथ ब्लैक कोल्हापुरी चप्पल भी पहन सकते हो और आप इसके साथ ब्लैक पेशावरी चप्पल भी पहन सकते हो। ब्लैक कलर के कुर्ता पजामा या शलवार कमीज को आपको कभी भी लाइट ब्राउन शूज के साथ नहीं पहनना। नंबर 2 इज व्हाइट कुर्ता पजामा या व्हाइट शलवार कमीज। ये भी एक बहुत ही ज्यादा बेसिक और कॉमन कलर है जो हर बंदा पहनता है। बात करें आपको इसके साथ कौन से कलर ऑफ शूज पहनने चाहिए, तो इसके साथ ज्यादा अट्रैक्टिव लगने वाले ब्लैक शूज हैं। इसके अलावा आप बरगंडी कलर भी यूज कर सकते हो और आप डार्क ब्राउन कलर भी यूज कर सकते हो। बस एक कलर आपको इसके साथ अवॉइड करना है, विच इज अगेन लाइट ब्राउन कलर। नंबर 3 इज ब्लू कुर्ता पजामा या शलवार कमीज। ब्लू कुर्ता पजामा या शलवार कमीज के साथ शूज की बात करें तो इसके साथ सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगने वाले शूज लाइट ब्राउन कलर के शूज हैं। ये शूज जब भी आप पहनोगे आपकी बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव लुक आएगी, इसीलिए माय रिकमेंडेशन अगर आप ब्लू कुर्ता पजामा या शलवार कमीज पहन रहे हो उसके साथ आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे लाइट ब्राउन शूज रखो। इसके अलावा आप इसके साथ ब्लैक कलर ऑफ शूज भी पहन सकते हो, ब्लैक में आपकी थोड़ी सी फॉर्मल लुक आएगी। और आप इसके साथ डार्क ब्राउन कलर भी पहन सकते हो, डार्क ब्राउन में आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करोगे और आप इसके साथ बरगंडी मतलब ऑक्स ब्लड कलर भी यूज कर सकते हो। नंबर 4 इज ग्रे कुर्ता। ग्रे कुर्ता के साथ सबसे अच्छा लगने वाला शूज है ब्लैक, बिकॉज ब्लैक और ग्रे का कॉम्बिनेशन हमेशा से बेस्ट रहा है। इसीलिए अगर आप ग्रे कलर का कुर्ता पजामा या शलवार कमीज पहन रहे हो तो ब्लैक कलर के शूज को आपने फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। इसके अलावा आप ग्रे के साथ लाइट ब्राउन कलर शूज भी पहन सकते हो, डार्क ब्राउन कलर शूज भी पहन सकते हो और आप इसके साथ बरगंडी मतलब ऑक्स ब्लड शूज कलर भी पहन सकते हो। आई थिंक ग्रे इज अ मोस्ट क्लासी कलर एवर और आप इसके साथ डिफरेंट शूज ऑफ कलर का एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नंबर 5 इज ब्राउन कलर ऑफ कुर्ता पजामा एंड शलवार कमीज। ब्राउन इज अ मोस्ट सोपर कलर और आप इसमें काफी ज्यादा डिसेंट और क्लासी लगते हो, इसीलिए आपको हमेशा इसके साथ सेफ साइड पे चलना चाहिए। बात करें आपको इसके साथ कौन से कलर ऑफ शूज पहनने चाहिए, तो आप इसके साथ लाइट ब्राउन कलर के शूज भी पहन सकते हो, डार्क ब्राउन कलर के शूज भी पहन सकते हो और आप इसके साथ बरगंडी ऑक्स ब्लड कलर भी पहन सकते हो। ब्राउन कलर ऑफ कुर्ता पजामा या शलवार कमीज को आपको बस ब्लैक कलर ऑफ शूज के साथ अवॉइड करना है। अब भाई आपके लिए काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही होगी कि आपको कौन से कलर के शूज चूज करने हैं, बिकॉज आपके पास हो सकता है ब्लैक कलर का कुर्ता हो, या हो सकता है आपके पास व्हाइट कलर का कुर्ता हो, या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके पास सारे कलर के कुर्ता हो, तो आप सारे शूज थोड़ी बाय करोगे, तो आपको कौन से कलर के शूज को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। माय रिकमेंडेशन अगर आप कुर्ता पजामा या शलवार कमीज के लिए फुटवेयर बाय करना चाह रहे हो तो आपको 2 कलर को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। 2 कलर आपके ऑलमोस्ट सारे कुर्ता पजामा के कलर के साथ चल जाएंगे, और वो 2 कलर कौन से हैं। पहला कलर है ब्लैक। ब्लैक कलर में आप कोल्हापुरी चप्पल भी बाय कर सकते हो, या आप ब्लैक कलर के शूज बाय कर सकते हो, या फिर आप पेशावरी चप्पल बाय कर सकते हो। दूसरे कलर की बात करें तो वो है बरगंडी कलर। बरगंडी कलर में आप शूज चूज कर सकते हो या आप कोई चप्पल चूज कर सकते हो। ये 2 कलर आपके ऑलमोस्ट सारे कुर्ता पजामा के साथ चल जाएंगे और आपका एक वार्डरोब बन जाएगा। ऑलराइट गाइस, ये थी मेरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहले पहुंचे। और अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विश यू लुक गुड, टेक केयर।